यूपी में योगी के शपथ लेने के बाद गुंडे बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए या फिर बड़े बड़े गैंगस्टरों का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन इससे भी कुछ लोगों ने सबक नहीं लिया और अपनी दबंगई के चलते पत्रकारों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मामला गाज़ियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद के एक पत्रकार से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं, राजकुमार यादव हैं, कई निजी अखबारों में और चैनलों में जॉब कर चुके हैं और फिलहाल इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ में गाज़ियाबाद के वरिष्ठ संवाददाता हैं। इन्हीं से आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ घटना क्या हुई है। राजकुमार जी, लगातार कई अखबारों में आपकी प्रिंट छप रहा है और कुछ चैनलों पे भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी खबर चल रही है, क्या है पूरा मामला? ये एक दिन मैंने अपनी हंसती हुई फ़ोटो डाली थी और शायरी के साथ में, तो इसमें मोनू यादव नाम का एक व्यक्ति है, उसने उस पर बहुत ही गंदी, जिसे हम और आप बोल भी नहीं सकते, उस भाषा का प्रयोग किया और मैसेंजर पर वीडियो कॉलिंग भी की गई लेकिन मैंने नहीं उठाई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अगर क्योंकि ये लोग शुरू से ही इनकी जो समाज में कार्यप्रणाली रही है सही तरीके से नहीं रही है, ये दबंग एक दबंगई का स्टार रहा है, दबंगई का स्टार रहा है, तो इनसे लोग भयभीत भी हैं। और जब मैंने और मेरे बच्चों ने भी देखा, फेसबुक की दुनिया को तो आप जानते हैं, करोड़ों अरबों लोग देखते हैं इस चीज़ को, सोशल मीडिया सार्वजनिक जगह पे, सोशल मीडिया है ही, तो एक मेरे अंदर भी डर का माहौल जैसे दहशत पैदा हुई, क्योंकि मैंने इनके परिवार के पिछले कारनामे देख चुका था, क्योंकि यादव ये भी हैं, यादव मैं भी हूँ, तो एक आज भी हम लोग डर के बेशक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, प्रशासन का ये रहा कि भाई पहली प्राथमिकता होती है मुकदमा दर्ज करवाना, और घर पर पुलिस भी आई, प्रशासन का अभी तक वैसे पूर्ण रूप से सहयोग रहा है, लेकिन फिर भी डर का माहौल है, क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो भाई अकेला ही मोटरसाइकिल पर चलता हूँ, ये कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं मुझे, यानी अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ये मर्डर भी करवा सकते हैं, कोई यहाँ के धनाढ्य लोग हैं, कहते हैं करोड़ दो करोड़ दे देंगे, किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं, और मैंने अपनी साक्षात आँखों से देखा है लोगों के लिए। और मेरा अपना, मैं जैसे आप देख लीजिए, मुझे अपने मुँह से नहीं बड़ाई करनी चाहिए कि जैसे मैं अखिल भारतीय यादव महासभा का यहाँ से जिला महासचिव भी हूँ जी, और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी हूँ और कई सामाजिक संगठनों में काम भी कर रहा हूँ मैं, और वर्तमान में मैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज का गाज़ियाबाद से जिला संवाददाता भी हूँ, तो इस तरीके की सभ्य समाज में आप भी देखते हैं, मैंने भी देखा है कि इन बातों का, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको बता दूं, ये मामला पूरा ये है कि कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर, जिस तरीके से राजकुमार जी ने बताया, एक सोशल मीडिया, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर डाली और तस्वीर जब डाली तो कई लोगों के उस पर कमेंट आए, तो उस पर कमेंट मोनू यादव जो नाम बताया जा रहा है उनका एक कमेंट आया और उसमें कुछ अभद्र भाषा यानी कि गाली का प्रयोग किया गया, और जैसे ही गाली का प्रयोग किया गया तो राजकुमार जी ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। उस पर रिप्लाई करने के ना करने के बाद भी राजकुमार जी को मैसेंजर पे फ़ोन आने लगे, यानी कि मैसेंजर जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, मैसेंजर पे कॉल आई तो राजकुमार जी ने उठाई नहीं। राजकुमार जी, आप क्या पहले से भी इन लोगों को जानते हैं, पहले भी कोई ऐसा वाद विवाद इनके साथ हुआ है, और ये कौन लोग हैं अगर आप जानकारी दें तो? जैसे ये खोड़ा में आरके मेमोरियल स्कूल है, मैं रोड इंदिरा विहार पर जी, दुर्गा बरात घर के सामने, ये इन्हीं का स्कूल है। अच्छा जी। और इनके परिवार और ये लोग भी घरौली गांव में रहते हैं। मेरा अपना अभी तक सार्वजनिक जीवन में इन लोगों से कभी कोई और ऐसा विवाद भी नहीं रहा, और ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इनके रिश्तेदार हैं, नेता हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, इनके रिश्तेदारों के भी फ़ोन आए, और कंटिन्यूस जो यहाँ के लोग हैं
गांव के परिचित लोग हैं यादव समाज के, उनके कंटिन्यूस मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं। और उसके बाद एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने अनुभव ये किया कि हम लोग प्रवासी हैं और प्रवासियों को तो हमेशा ज़्यादातर गालियाँ दी गई हैं एक हीन भावना के माध्यम से कि बाहर से आए हुए लोग ये समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं या समाज में हर किसी के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग हीन भावना से ग्रस्त हों। हीन भावना से तो ग्रस्त आपने कहा, लेकिन एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे किसी को गाली गलौज देना ये तो बेहद गलत है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों लोग देखते हैं और न जाने उनकी मोनू यादव की क्या मंशा रही होगी, लेकिन अगर इस तरीके से उन्होंने किया है तो ये बेहद गलत है, उनको इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। और मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई सार्वजनिक आप अगर किसी को इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो अब कानून उस पर कार्रवाई करेगा। आपने 100 नंबर पे भी कॉल किया था, उस पर पुलिस का रिस्पॉन्ड आया अभी तक या नहीं कोई आया? नहीं, 100 नंबर कॉल की गई थी उसी पीरियड में, 3 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती है मेरे यहाँ। ये 112 नंबर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, 3 मिनट के अंदर पहुंची पुलिस और कम से कम 7-8 लोग थे। उन्होंने मेरी सारी बातों को पूछा, अगर यहाँ है व्यक्ति तो हम चलते हैं, अगर नहीं आएगा तो कल को कार्रवाई की जाएगी जी। और पुलिस का इसमें मैं ये नहीं कहूँगा, पॉजिटिव रोल रहा है जहाँ तक, पॉजिटिव पुलिस का बहुत, प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा है। सवेरे को हम लोग थाने जाते हैं और वहाँ मुकदमा दर्ज किया जाता है जी। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि अभी भी देखिए, आपने देखा भी होगा मैं 3-4 दिन से अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। कल थोड़ा सा थाने भी गया था, परसों भी हल्का सा थाने गया था, बाकी आपने देखा होगा 28 तारीख से मेरी कोई भी खबर जैसे चलती रहती थी कंटिन्यूस क्षेत्र में घूमता रहता था, वो कोई खबर प्रकाशित नहीं हो पा रही है। क्यों? कि एक डर का माहौल है और ये लोग वास्तव में ही ये गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, तो डर लगा हुआ है, बच्चे भी डर के माहौल में जी रहे हैं। तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी की सरकार है और योगी की सरकार में ये मुकदमा लिखा गया है। और आपको बता दूं, चौथा स्तंभ होता है मीडिया लोकतंत्र का। अगर इस तरीके से पत्रकारों को धमकाया जाएगा, पत्रकारों को डराया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आखिर कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। अब मेरा प्रशासन से एक ये अपील है कि इस मुद्दे को, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द की जाए।